क्लास 10th सब्जेक्ट में टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेचर ऑफ रूट, सब टॉपिक एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। इससे इसके साथ ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर ख़त्म हो गया। हमने अब एक रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स और लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरी तरह से ख़त्म किया, ये सारे चैप्टर। अब हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन इस तरह, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, क्या ये पॉसिबल हम संभावना है कि हम एक ऐसा पार्क बनेंगे जिसका पेरीमीटर 80 मीटर आएगा और उसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेडथ। यहाँ पर हम मान के चलें कि ये पार्क है, फिलहाल हम रेक्टेंगल पार्क लेंगे, ठीक है। इसका जो लेंथ है ये एक्स है, ये हम रखेंगे ब्रेडथ वाई, वाई मीटर। ये एक्स है, ये एल है, ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पर पेरीमीटर दिया है इसका, मान के चले पेरीमीटर 80 मीटर है, एरिया जो है ये है 400 मीटर स्क्वायर। लेट द शाबाश लेंगथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है। देयरफॉर लेट ब्रेडथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू वाई मीटर, ये हमने वाई मीटर रखा। अब इट इज़ गिवन दैट पेरीमीटर जो है वो है 80 मीटर। पेरीमीटर किसके बराबर होता है, टू आई एस एल प्लस बी इज इक्वल टू 80 मीटर। सो गोज टू आई एस एल हो गया एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80 हो गया 80 मीटर। सो गो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80/2 इज इक्वल टू 40, सो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 40, ठीक है। ये आपके पास एक इक्वेशन आएगी, इसमें से हम वाई का वैल्यू निकाल के रखेंगे 40 - x, ये हम रखेंगे सपोज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम एरिया की तरफ देखेंगे, इसका एरिया भी दिया है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पार्क एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एरिया फार्मूला पता है, एल इंटू बी इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। वॉट इज एल, हमने एल क्या रखा, एक्स, वाई क्या निकला 40 - x हो गया एक्स इंटू 40 - x इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। एल इंटू बी हो गया एक्स इंटू वाई, मगर वाई का वैल्यू हमने निकाला 40 - x डायरेक्ट। आप ज़रा दे दो 40x - x² - 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैं माइनस कामन निकालूँगा, -1 हो गया एक्स स्क्वायर -40x + 400 इज इक्वल टू 0 हो गया एक्स स्क्वायर -400x - 40x + 400 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर -40x + 400, हियर ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -40, सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म जो है 40। अब हम देखेंगे डिस्क्रिमेंट, डिस्क्रिमेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, डी इज इक्वल टू शाबाश -40 का स्क्वायर -4 × 1 × c हो गया 400, डी इज इक्वल टू ये हो गया 1600 - 1600 = 0, डिस्क्रिमेंट इज इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है देन इक्वेशन है इक्वल रूट्स, इट इम्प्लाइज इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। अगर इक्वेशन के इक्वल रूट्स हैं देन वी विल फाइंड देम, एक्स इज इक्वल शाबाश -b + -√b² - 4ac हो गया d/2a। सो गए एक्स इज इक्वल टू -b किसके बराबर, -40 + - ये 0 आएगा इधर ÷2, सो गो 40/2 ये ख़त्म हो जाएगा, ये 20, इसका मतलब जो एक्स होगा वो 20 होगा
20 होगा, ठीक है, इसके दोनों रूट इक्वल होंगे। अगर एक्स 20 है देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वाई, देयर फोर वाई इज इक्वल टू 40 माइनस 20, वाई इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है एक्स भी 20, वाई भी 20, यानी जो लेंगथ है वो 20 है, मीटर है, ब्रेड्थ भी है 20 मीटर। अगर ये है इसकी लेंगथ एक्स है, ब्रेड्थ भी 20 है, यानी देन दे आर इक्वल साइड्स, दैट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल पार्क, इट इज़ अ स्क्वायर पार्क, ठीक है। ये आपको समझना इधर, तो आपका ये क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है था इसका 4.4 का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो गई। तो अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट भी मैं भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर।